नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी की डिमांड पर दे रहा हूँ, सर संधि की ट्रिक बताइए जिससे हम आसानी से संधि को कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ रखी है तो इस वीडियो को देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर रखी है। अगर आपको संधि, अगर आपके दिमाग में संधि मतलब दर्द बना हुआ है, मतलब सिर दर्द बना हुआ है, तो भैया ये 90% जो कि मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, ये 90% तो काम आएगी ही आएगी। अब 10% कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी अपवाद भी पूछे जा सकते हैं। ओके, चले दोस्तों, ट्रिक से याद करें, ये संधि राजस्थान क्लासेस पर ये संधि की ट्रिक आपके एग्जाम की दृष्टि से जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो, आप सभी की डिमांड पर दे रहा हूं, और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको PDF भी कहां पर मिलेगी। शुरुआत करते दोस्तों सबसे पहले कि भैया संधि होती क्या है, है ना, संधि क्या होती है। मेरे दोस्तों देखिएगा, संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दोस्तों, संधि के कुल कितने भेद होते हैं, आपने कहा सर संधि के 3 भेद होते हैं, हम सभी को पता है इसकी। तो चलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, ये तीनों, है ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखिए दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर एग्जाम में स्वर संधि के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और स्वर संधि के भी अलग भेद होते हैं। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में केवल और केवल स्वर संधि की ट्रिक बात करेंगे। ठीक है, बाकी की तो आपको वैसे नॉर्मली तरीके से आपको थोड़े से उदाहरण पढ़ने होंगे। वैसे तो दोस्तों, इसकी कोई व्यंजन विसर्ग की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपन स्वर संधि पढ़ेंगे, और स्वर में से भी आपके कभी कभी पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया स्वर संधि ही किसे कहते हैं, यही नहीं पता। तो देखिए, स्वर के साथ स्वर का जो विकार हो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, जो स्वर के साथ स्वर का विकार होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों ये तो होगी परिभाषा, कभी कभी परिभाषा के बारे में पूछा जाता है। आज हमारी परिभाषाएं वगैरह हम साइड में रखते हुए, अर्थ भेद को साइड में रखते हुए ट्रिक की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रिक से भी पहले और एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से, ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये नहीं देखेंगे तो संधि ट्रिक कैसे देखेंगे, है ना। तो पहली दीर्घ संधि, ये आपको याद करनी होगी, दीर्घ गुण वृद्धि यण, दीर्घ गुण वृद्धि यण, देखिए ध्यान देना, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, काफी को ये भी याद नहीं होते तो ये याद कर लो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इन पांचों की ट्रिक अपन देखेंगे इस वीडियो में, उम्मीद है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, दीर्घ संधि की बात करें दोस्तों, देखिएगा दीर्घ संधि की बात करेंगे, दीर्घ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, बोले सर दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो ये लो बड़ा। ठीक है, अब ट्रिक ये है कि दीर्घ संधि पहचाने की जो ट्रिक है ना, वो क्या है कि बड़ी मात्रा आएगी, जहां पर भी आएगी ना, जैसे आ बड़ी मात्रा, ई बड़ी मात्रा है, ऊ बड़ी मात्रा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि शरणागत, जब आप इसका विच्छेद करते हैं, देखिए विच्छेद में क्या होता है, शरण धन आगत, ठीक है, आगत, देखिए आ आ रहा है बड़ा, शरण धन आगत, ठीक है, शरणागत, रवि, देखिए रवि धन इंद्र, ठीक है, तो इंद्र ये बड़ा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, आ ई ऊ, जैसे भानुदय, देखिए इसमें भी ऊ आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसमें भी बड़ा आ रहा है, इसमें बड़ी मात्रा आ रही है और इसमें भी बड़ी मात्रा आ रही है। तो जहां पर भी जिस शब्द में बड़ी मात्रा हो, वहां पर ध्यान रखना वो दीर्घ संधि होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ये आपके, मैं बता रहा हूँ, 90% यूज होगी मेरे दोस्तों, 90% आपकी ये ट्रिक कारगर साबित होगी अगर आपका ऐसा प्रश्न आ गया तो। मैंने समास की ट्रिक आपको दे दी है PDF, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आती है अपनी गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या है मेरे दोस्तों, इसकी पहचानने की जो ट्रिक है ना, क्या है, देखिए मतलब कि छोटी मात्रा आएगी इसमें, सिंगल मात्रा, मान लीजिएगा छोटी मात्रा को कह सकते हैं, एक मात्रा लगी होगी, जैसे एक मात्रा, जैसे नरेंद्र, ठीक है, अगर ऐसा आ जाए, जैसे देखिए दोस्तों नरेंद्र, कहीं ना कहीं तो आपको पता चलेगा, अगर मान लीजिएगा नर धन इंद्र, ठीक है, नर धन इंद्र होगा मान लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो कि आप इसका वापस से जोड़ करेंगे तो नरेंद्र कर ही लेंगे। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र का जो है विच्छेद क्या है, है ना, वही पूछा जाएगा, या फिर पूछ लिया जाए नरेंद्र में संधि कौन सी, या फिर
नर धन इंद्र का योग करते हुए इसकी संधि कौन सी है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि इसमें एक मात्रा है, इसमें भी देख लीजिएगा एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इस टाइप से आपके ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आएंगे। तो एक मात्रा वाले जहाँ पर भी शब्द आएंगे वो गुण संधि होगी दोस्तों। कौन सी संधि होगी? एक मात्रा वाले गुण संधि होगी। एक मात्रा मतलब कि यहाँ पर तो मैंने ये मात्रा यूँ ही लगा दी, ये नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये एक मात्रा आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो एक मात्रा जहाँ पर लगी हुई हो वो हमेशा गुण संधि होगा। और अगला क्वेश्चन आप अगला जो है अगली संधि जो है वो आप देख लेना, देख लो क्या है, वृद्धि स्वर संधि। देखिए पहले तो अपनी है दीर्घ, फिर आती है गुण, फिर आती है वृद्धि। आप लिखना चाहो तो लिख लो पूरे, फिर याद कर लो, है ना। और दोस्तों आप करने के बाद ये ट्रिक करने के बाद रियली आप प्राउड फील करेंगे अपने आप को, रियली मैं 5 मिनट में संधि सीख गया या सीख गई, आप देखो तो सही। एक बार वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो ट्रिक ये, दो मात्राएं लगी होगी इस पे, तो मैंने यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, दो मात्राएं लगी होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या है? दो मात्राएं लगी होगी, जैसे कि एक 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 एक, जैसे सदैव हितेशी वनौषध, है ना। तो दोस्तों ये दो मात्राएं लगी हुई है, लगी है कि नहीं। एक मात्रा किस में आ रही है? गुण में एक आ रही है, और गुण में एक आने के बाद क्या होता है? वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो वृद्धि में क्या होता है? दो जुड़ जाते हैं मेरे दोस्तों, मतलब दो मात्राएं जुड़ रही है। जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है? सर जुड़ तो रही है। तो मेरे दोस्तों ये आप इसको अच्छे से ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आपको विच्छेद करना आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ ट्रिक ही हो। विच्छेद का कोई ट्रिक नहीं होता मेरे दोस्तों, विच्छेद थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। अब इसकी जैसे विच्छेद है ना, इसको तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, और अपने पास इतना समय भी नहीं है, वेबसाइट पर भी आपके लिए बहुत कुछ देना है। अब आती है अपनी यण स्वर संधि दोस्तों। क्या आती है? यण स्वर संधि आती है। यण संधि पहचानने की ट्रिक क्या है? शब्द में य र व के पहले आधा शब्द होगा। अरे वाह, दिल जीत लिया। देखिए शब्द में य र व के पहले आधा, अब आप देख लो भली आप मानेंगे नहीं। देखिए इत्यादि, इसमें य आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ तो रहा है, एक बार वापस से देख लो भैया, बड़ा करके मोटा करके देख लो कि य आ रहा है कि य र व। देखिएगा यहाँ पर भी य आ रहा है, यहाँ पर देखिए व आ रहा है, व यहाँ पर भी, ये देखो कि इस सभी के आगे पहले आधा त आएगा। जैसे इत्यादि, प्रत्येक, स्वागत, अन्वेषक, वे आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया आधा आधा शब्द हो, सॉरी त क्या आधा ही शब्द हो, जैसे कि व के आगे आधा स आ रहा है, व के आगे यहाँ पे आधा न आ रहा है, यहाँ पे य के आगे आधा त आ रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर भी शब्द में य र व के पहले आधा शब्द हो वो यण संधि होगा। अब आप यण संधि की ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे? यण, यण मीन्स य, मीन्स यण, य मीन्स यण, है ना, ऐसे याद रखेंगे। ये यर वाला जो है ना वो है यण संधि का ट्रिक है भैया। कितना शानदार ट्रिक है मेरे दोस्तों, है कि नहीं है? है तो सही सर। तो फिर ये बात हो गई ना। अगला क्वेश्चन, अगला जो ट्रिक है अगली अपनी, वो है अयादि स्वर संधि, है ना। क्या है? अयादि स्वर संधि। और अयादि में क्या है मेरे दोस्तों? देखिए संधि पहचानने की जो ट्रिक है, अय आय औ आव उच्चारण होगा उसमें। ध्यान रखना मेरे लाडलो कि जो अयादि संधि होगी ना उसमें अय आय औ और आव का उच्चारण होगा हमेशा। और जैसे कि ए सिंगल, और देखिए यहाँ पर ए आई ओ औ की मात्रा कभी नहीं होगी। ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि ट्रिक क्या है? अय आय औ और आव शब्द होंगे, ज़्यादातर ऐसे ही शब्द होंगे। अब आप कहेंगे सर मुझे तो ये बताओ कि इसका शब्द कैसा होता है, बताता हूँ, रुकिए। ए आई औ ओ और औ की मात्रा कभी नहीं होगी, बहुत मुश्किल, रेयर चांस रहेंगे कि आएगी, मतलब कोई 1% आ सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं। परंतु विच्छेद में ये मात्राएं होगी। देखिए ए आई ओ औ की मात्रा नहीं होगी, परंतु विच्छेद जब होगा ना उस समय होगी। थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, विच्छेद करेंगे तब जरूर होगी। अच्छा अयादि संधि के पहचानने की ट्रिक क्या है? ये है सर अयादि के उदाहरण, जैसे गायक, नयन, पावक। अब जैसे कि पौ, धन, अक, है ना, वही होता है। बोले सर अक आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए नयन है ना, जैसे गायक, तो प्यारे दोस्तों आपने देखा अभी ये क्या कह रहे हैं, अय आय औ और आव, इनका उच्चारण होगा
और ये मात्रा तो इनमें होगी नहीं, लेकिन जब अपन विच्छेद करेंगे तब उसमें मात्रा आएगी, तब उसमें मात्रा आएगी दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये आज की जो आपकी ट्रिक थी, मैंने ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया, ओनली 10 मिनट लिए हैं मेरे दोस्तों। और इससे पहले मैंने जो संधि की ट्रिक दी थी ना, एक बार वापस आप लोग लिख के है ना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको PDF मिल जाएगी राजस्थान क्लासेज डॉट इन वेबसाइट पर। PDF का लिंक ऐसा करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। PDF को डाउनलोड कर लेना और मैं ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको शानदार लगी होगी। आपके एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, अगर 3 क्वेश्चन आएंगे ना संधि के, तो 2 तो श्योर है स्वर संधि के आएंगे, और 2 क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों, वो मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने आपको जो समास की ट्रिक दी है उसमें 3 क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो आप समास भूलेंगे नहीं दोस्तों। कारक को याद कर लेना, मैं अभी से बता रहा हूँ, कारक अगर याद करेंगे ना, कारक से बहुत कुछ हल होगा। कारक के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और समास के आ जाएंगे तत्पुरुष के, तो फिर तो अपने वहाँ पे बल्ले बल्ले ही है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कारक समास संधि ऐसे विशेषण है, जैसे अपने उपसर्ग प्रत्यय हैं, ये अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, जो कि आप ट्रिकी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, और बाकी ग्रुप में आज एक्टिव रहना आपको, ताकि मैं बार बार जो है आपको अपडेट देता रहूँ हर चीज़ की, हर जो जो महत्वपूर्ण कंटेंट की। और दोस्तों क्विक रिविज़न बार बार कह रहा हूँ, क्विक रिविज़न अपना जारी रखना, कल एग्ज़ाम है ना, याद है ना। चलिए साहब, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।